को पुलिस स्टेशन उड़ी के इतला में जो नॉर्मल जो वहाँ पे हमारी पेट्रोल पार्टीज जाती हैं उनको एक मशकूक हालत में ये दो गाड़ियाँ वहाँ पे मौजूद मिली और जो पेट्रोल पार्टी थी इसको जो उसकी क़यादत कर रहे थे वो वहाँ पे जो हमारे एसएचओ हैं वो कर रहे थे। और इस टीम ने जब इन गाड़ियों को मशकूक हालत में पाया तो उसके बाद इनकी चेकिंग हुई और वहाँ से जो ये है कॉन्ट्राबैंड जिसको हम अभी तक हीरोइन तसव्वुर कर रहे हैं और इसकी जो तस्दीक है वो फोरेंसिक लेबोरेटरी से कराई जाएगी। इस की बरामदगी हुई वहाँ से और ये तकरीबन 9 किलो के करीब जो है जो कॉन्ट्राबैंड है वो वहाँ से रिकवर हुआ है। इसमें हमारे पास दो अरेस्ट भी इसके साथ साथ हुई हैं और इनके पास जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि डील होने वाली ही थी और इसमें कुछ चेक्स का लेन देन भी होना था और उन चेकबुक्स को और उन चेक्स को जो काटे गए थे उनको भी सीज कर लिया गया है। इसके अलावा वहाँ पर जो बाकी एविडेंसेस हैं वो भी सीज कर ली गई हैं। जो गाड़ियाँ इस ऑफेंस में इन्वॉल्व थी कमीशन में उनको भी हमने सीज कर लिया है और इसके अलावा जो डिटेल है वो आपके साथ हम शेयर कर और भी कर लेंगे। इन्वेस्टिगेशन जो है वो इसमें फ़िलहाल अभी जारी है। तफ्तीश के मरवा चलते चलते मुझे लगता है कि इसमें हमारे पास कुछ और जो लीड्स हैं जैसे कि पहले कुछ केसेस में भी हमें बहुत सारी लीड्स मिली और उनके पेशरफ कई सारी ऐसी हमें सक्सेसेस मिली हैं जो वॉर ऑन ड्रग्स JKP का चल रहा है उसमें और मुझे लगता है कि इसमें भी हमें ये जो अभी तक लिंक मिले हैं ये पॉइंट करता है कि कहीं ना कहीं इसमें एक टेरर फंडिंग का जो एक एस्पेक्ट है वो मौजूद है और इस पर जो है हमारी फर्दर जो कार्रवाई है वो रवा। फिलहाल अभी तक दो लोग अरेस्ट हुए हैं, इनके नाम मैं आपको बताता चलूँ। मोहम्मद साबिर बरवाल ये कमलकोट जबड़ा उड़ी के हैं और परवेज अहमद तांत्रे जो कि रबन रफ़ियाबाद के हैं। जी देखिए, जहाँ तक हमारी अभी तक इन्वेस्टिगेशन सामने आई है कि ये जो हेरोइन है ये क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग का एक जो रिंग है उसका पार्ट है और ये बॉर्डर पार करा के ही ये कंसाइनमेंट यहाँ पहुँची है और उसके बाद यहाँ पर इसको आगे जो यहाँ के यूथ हैं और जो यहाँ के लोग हैं उनमें ये जो बीमारी है ये जो डिज़ीज़ है उसको फैलाने की पूरी कोशिश थी